तो संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने बीजेपी पर जवाबी हमला किया। एमएलए ने कहा कि बीजेपी में मुसलमानों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री राशन जैसी योजना को एमएलए ने संवैधानिक हक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह बीजेपी का बुरा हाल होगा। शुक्रिया मोदी भाई जान, पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुसलमानों की इलेक्शन में ही क्यों याद आती है। वहीं सपा विधायक इकबाल महमूद ने यह भी कहा कि बीजेपी में अल्पसंख्यकों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहीं बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा दिखावा है। बीजेपी 80-20 की लड़ाई लड़ती है। हर वह काम करेंगे जिससे मुसलमानों में नफरत पैदा हो। अगर बीजेपी को अल्पसंख्यक वोट की चाहत है तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 10 मुसलमानों को टिकट दे। भाजपा का जहां तक सवाल है तो इन्होंने तो वैसे ही ये दिखावे के तौर पर ये मोर्चा बना दिया अल्पसंख्यक का। इनके यहाँ अल्पसंख्यक का कोई कंसेप्ट ही नहीं। 80-20 की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। हर वो काम करेंगे जिससे मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो। ये अपने वोटर्स को खुश करने के लिए किस तरह के बयानात देते हैं। ये मोर्चा बनाया है, ये मन से नहीं है, दिखावे का मोर्चा है। अगर उनके मन के अंदर अल्पसंख्यक वोट की चाहत है तो सबसे पहले वो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश से कम 10 मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करें। अपने जो योजनाएं देश में चल रही हैं उसमें देश के संविधान के अनुसार ये किसी योजनाओं से किसी भी तबके को, किसी भी कौम को, किसी समुदाय को वंचित नहीं रख सकते हैं। इस वजह से वो योजनाएं का लाभ हमको भी मिल जाता है। कोई विशेष योजना बनाए अल्पसंख्यक के लिए तो ये समझ में आएगा भाई हम अपने कुछ कर रहे हैं। ये तो आम चीज है, दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं।